चतरा पुलिस पर पथराव और अधिकारियों व जवानों के साथ मारपीट की घटना में घायल अधिकारियों व जवानों से मिलने एसपी राकेश रंजन सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान एसडीपीओ अविनाश कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह को एसपी ने घायल जवानों का बेहतर इलाज व देखरेख करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पथराव व मारपीट की घटना में गंभीर रूप से जख्मी एएसआई शशिकांत ठाकुर को चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर करने के बाद उन्हें विशेष देखरेख में हजारीबाग भिजवाया गया। एसपी ने सदर अस्पताल में घायल अधिकारी व जवानों का हालचाल पूछा, साथ ही हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट करने वाले हमलावरों व असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी ने कहा कि घटना के वायरल वीडियो के पड़ताल के आधार पर दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिस पदाधिकारियों व जवानों पर हमला बोला है, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे जिले के ही कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक रोड एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे एक अधिकारी पर हमला किया और उन पर उनको तरह तरह की चोटें पहुँचाई गई। बाद में जो पुलिस पदाधिकारी और फोर्स वहाँ पर पहुँची उन पर भी पथराव किया गया है। मैं इस अवसर पर सभी जिलावासियों को एक बात बताना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। यदि इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उस पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाती है और उस पर इस तरीके से अटैक करना, हमला करना, ये अत्यंत निंदनीय है और सोचने का विषय है। जितने भी गार्जियंस हैं, अधिकतर लड़के नए उम्र के थे, आप जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपका खुद का कैरियर तो खराब होता ही है, आप समाज पे भी एक दाग लगाते हैं। ये हम लोग सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है। कानून अपना कार्य करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी उपद्रवी इसमें शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करके, जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है भीड़ को, उनको चिन्हित करके और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिस बल ने काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी आत्मसंयम के साथ कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि कल कोई भी बड़ी घटना हो नहीं घटी। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आज यहाँ पर जो जख्मी जवान थे उनसे मिलने के लिए आया था और सभी का मनोबल बढ़ाया है। चतरा पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है एवं प्रतिबद्ध है, तथा यदि इस प्रकार की कोई घटना घटेगी तो उससे सख्ती से निपटने के लिए भी हम लोग सभी तैयार हैं और सक्षम। चतरा से न्यूज विंग के लिए धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।